वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, जो कि हम मुख्तलिफ ऐसे मौजूदात भी आपके लिए लेकर आते हैं जो उमूमी तौर पर डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनते हैं। मुल्की तारीख में जश्न आज़ादी के हवाले से जो कौमी असम्बली का खसूसी इजलास हुआ, मुख्तलिफ इजलास हुए जिसमें बच्चों को भी कौमी असम्बली तक रसाई दी गई, और उसके साथ एक चीज़ जिसको बड़ा सराहा गया वो थी ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को भी असम्बली फ्लोर देना और उनको भी खिताब का मौका देना। तो आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें ख्वाजा सरा बबली मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, मैं एक बात बड़ी माजरत के साथ कहूंगी अगर ऐवान में किसी की दिल आजारी ना हो। इस साथ वीडियो चल भी रही है, उन्होंने कहा कि इस ऐवान में काफ़ी देर से मैं एक जुमला सुनती रही हूं कि मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ठीक है हम ख़वातीन या हज़रात के ज़ुमरे में नहीं आते, लेकिन अगर आप इसके बजाय मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल कह दें तो क्या ही बात है। तो स्पीकर को कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने फिर हाज़रीन मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कहकर उनको बुलाना शुरू किया, चूँकि ओबियसली हाज़रीन महफिल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि असम्बली का इजलास था। खैर, बबली मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी ये दिल आज़ारी क्यों हुई और इस दिल आज़ारी को लेकर वो फर्दर क्या सोचती हैं, क्या प्लान्स उनके माइंड में हैं, इसी हवाले से हमने बात करनी। बबली मलिक की वीडियो देखकर हम समेत बहुत सारे सोशल मीडिया जो लोग पे लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आई और एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, और जिस पोलाइट और धीमे लहजे में उन्होंने ये बात कन्वे की उसको सुनकर मेरे ख्याल से वैसे ही हम सबको ये कहने की ज़रूरत है और ये प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए। बबली मलिक चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच बबली साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो इस खिताब के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे जो आपने कौमी असम्बली में किया, और ये तो आपने एक दफ़ा कोर्ट जो कह लें वहाँ पर बोल दिया, नॉर्मली आम जिंदगी में तो आपको ये सब बातें सुनने को मिलती होंगी, तो आप उनको भी इतनी ही पोलाइटली से कहती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया और सुनने वाले का। देखें, नॉर्मल लाइफ हमारी तो लाइफ ही ए टू जी ऐसी ही है कि ये जुमला हवातीन हजरात शायद हम पैदाइश से मरने तक सुनते हैं कि कहीं हमारी साथ का जिक्र ना हो। ठीक है, तो उस दिन भी असम्बली के अंदर जब कहा गया मुखातिब करने के लिए तो मैंने कहा कि मेरी जो शनाख्त है वो अर्ज़े पाकिस्तान ने दी है तो मुझे फिर अपना भी लिया जाए। तो जब हम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जेंडर उस ऐवान में मौजूद हैं, जो कि बहुत मोतबिर जगह है और मेरे लिए बहुत ऊंचा मुकाम रखता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सबको एड्रेस कर लिया गया। लेकिन लफज अगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन हजरात तक रुकता है या ख़वातीन हजरात तक रुकता है तो इसका मतलब ये है कि ख़वातीन और हजरात के अलावा कोई भी जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो नाइंसाफी है। तो इसकी वजह क्या, आपको कहीं स्पीकर साहब की कंफ्यूजन ही लगी या फिर हमारे रोज़मर्रा मामलात में वाकई ट्रांसजेंडर्स का वो मुकाम ना होना, या हो सकता है कि उनकी उर्दू अच्छी ना हो, ऐसा भी हो सकता है बबली साहब? नहीं, मैं जनाब स्पीकर साहब की दिल से इज्जत भी करती हूँ और यहाँ पे तारीफ भी करूंगी कि जिस खलूस दिली से और खुशदिली से। बबली साहब, आपको माजरत के साथ जरा रोकना पड़ेगा, एक न्यूज अपडेट हमारे पास आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कि सदादे पोलियो के हवाले से एक तकरीब है वहाँ पे मौजूद है, उस जानेब हमने जाना है, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हम कोशिश करें कि कनेक्ट करें और आपको बराह रास्त दिखाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से एक तकरीब है वहाँ पे मौजूद हैं। आज से इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, पोलियो मुहिम का इस हवाले से आज ये तकरीब होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, और उसके अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्टली उस पर कट भी करें, और इससे पहले हम जो बात कर रहे थे बबली मलिक साहिबा से उनसे भी कट। मजीद आने वाले बुलेटिन में आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त चूँकि इस पे जाने से पहले हमारे साथ बबली मलिक साहिबा, जो कि जिनका ताल्लुक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है, न सिर्फ कम्युनिटी से ताल्लुक है बल्कि एक एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम उनके नेशनल असेंबली में स्पीच के हवाले से और उनके सोशल वर्क के हवाले से बात करते हैं। बबली साहिबा, आप प्लीज़ अपनी बात जहाँ से आपने छोड़ी थी ज़रूर उसको मुकम्मल कीजिएगा, और उसके साथ साथ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, मतलब ट्रांसजेंडर्स का कौमी असम्बली के फ्लोर तक पहुँच जाना, इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट आई बिलीव हमारी जैसी सोसाइटी में, आप इसको कैसे देख रही है और फर्दर क्या मुश्किलात हैं स्टिल जिन पे काबू पाना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बात पूछी जा रही थी कि जनाब स्पीकर साहब जिन सिंह हैं उनकी उर्दू कमजोरियां, कुछ ऐसा नहीं, ये नहीं समझती। असल में ये लैक ऑफ नॉलेज है जो सोसाइटी के अंदर है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एड्रेस कैसे किया जाए, और क्योंकि कभी पार्लियामेंट में किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एंट्री नहीं हुई या उसे मौका ही नहीं मिला, तो फर्स्ट टाइम था, तो जैसा भी उन्होंने मुझे मुखातिब किया मुझे उससे कोई गिला नहीं है, लेकिन अब उम्मीद और यकीन यही है कि आने वाले वक्तों में वो उसी तरह मुखातिब करेंगे जैसा कि मैंने उनसे गुजारिश की है। अब पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जब मेरा जाना हुआ
तो मैंने वहाँ पे इस फ्लोर पे बड़ी एक रिक्वेस्ट की थी, वो ये की थी कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मंशूर में ये चीज बनाएं और लिखें कि वो कोई ना कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को अपने साथ लेके चले, और ना सिर्फ ये बल्कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो मिलके एक लाइअमल तैयार करें कि एक ट्रांसजेंडर के लिए कोई मखसूस निशस्त चुनरी है वो हमारे ऐवान में मौजूद हो, ताकि वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस करती है वो उसका हल किया जा सके, उनको देखा जा सके, और वो जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की राह में हायल हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाए। जब तक कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव खुद आके आपको ये चीजें नहीं डिस्कस करेगा हमारे मौजे जवान के अंदर, तब तक पॉलिसी मेकिंग और ये चीजें ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। बबली मलिक साहब, चूंकि मेरे पास वक्त कम है, हम चाहेंगे आपसे आखिर में सवाल ये भी मैं करूं कि ऑब्वियसली जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई, इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर मामलात भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर बेहतर हुए हैं और इसमें मजीद भी बेहतर होने की जरूरत है, क्या आप लोगों की, आप चूंकि एक्टिविस्ट भी हैं, किस तौर पे आप सजेशन देंगी जो चैलेंजेस आपने खुद भी कहा कि रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे आपको होना चाहिए कि आप उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करा सकें, तो मजीद क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी है आपकी? स्ट्रेटजी यही है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से मिलेंगे और उनको अपनी रिक्वेस्ट देंगे और उनको ये कहेंगे कि वो इसको एक अपना हिस्सा बना लें, इस सेनेट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लीडर की जगह होनी चाहिए, उसकी मखसूस निशिस्त होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करती हूँ तो आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गाय बगाए छोटे छोटे क्लिप जो उनसे हैं वो अबाउट ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी और अबाउट जेंडर एक्स के बारे में जो उनसे हैं वो अगर मीडिया कैंपेन्स का हिस्सा बन जाए तो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने में सोसाइटी को बहुत बड़ा मसला हो सकता है, बहुत बड़ा हल आपकी तरफ से आ सकता है। हम कोशिश करते हैं ऐसा हो, और अब जिस तरीके से आप भी बात कर रही हैं बहुत मुनासिब है, ये प्लान ऐसे मिलने चाहिए आपको। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह किसी और नशस्त में जरूर आपसे इन डिटेल्स भी बात करेंगे। बबली साहब अभी वक्त कम है, बबली मलिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद